हेलो क्लास सेवेंथ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हाउ आर यू ऑल आई होप ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स ओके सो आवर मसल सेल्स कैन आल्सो रिस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम शॉर्ट टाइम के लिए एनारोबिकली यास्पायर होता है हमारे मसल्स की बात हो रही है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज फास्ट रनिंग साइकिलिंग वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग द डिमांड फॉर एनर्जी इज द एनर्जी इज हाई बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज लिमिटेड क्या करें कि जो हमारे मसल्स होते हैं वो एनारोबिकली क्या करते हैं रेस्पिरेशन उनका होता है लेकिन कुछ समय के लिए एक छोटे आ, अंतराल के लिए छोटी अवधि के लिए ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं फास्ट रनिंग करते हैं साइकिलिंग करते हैं वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड उसकी डिमांड काफ़ी हाई होती है है ना लेकिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है वो बहुत ही सीमित होती है लिमिटेड इन अदर वर्ड्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज डिमांड ऑफ एनर्जी इज मोर बट द सप्लाई ऑफ एनर्जी इज लेस अब क्या होता है कि एक्सरसाइज जो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है है ना और उसकी जो सप्लाई होती है बहुत ही कम होती है देन टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए एनारोबिक रेस्परेशन टेक्स प्लेस इन ऑन आर मसल सेल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ना ऑक्सीजन के एबसेंस में क्या करते हैं हम एनारोबिक रेस्परेशन करते हैं ठीक है द फूड दैट इज़ ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इंटू लैक्टिक एसिड एंड रिलीज रिलीज समर्जी जो ग्लूकोज होता है जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड में जो कि एनर्जी कुछ ऊर्जा जो है ये प्रोवाइड करता है इसके देख लेते हैं हम फॉर्मूलाज का इक्वेशंस क्या बन रहे हैं यहाँ पे ग्लूकोज फूड दैट इज़ इन द मसल सेल्स एंड दैट इज़ एनोरोबिक रेस्परेशन और वो क्या आप, आपको देता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी देता है ठीक है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे ये वाले पॉइंट को आगे देखें आफ्टर हैवी एक्सरसाइज वी समाइम्स गेट मसल क्रैम्प्स क्या होता है जब ज़्यादा हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल में हमारी खिंचाव होने लगती है दर्द करने लगता है ना क्रैम्प्स हो जाते हैं तो द मसल क्रैम्प्स ओकर वेन मसल सेल्स रिस्पायर एनारोबिकली है ना एनारोबिकली जब होता है हमारे मसल सेल्स क्या करता है रिस्पायर करता है द पार्शल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड जो पार्शली ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है ओके okay? उसके बाद द एक्यूमुलेशन ऑफ बेसिक सॉरी द एक्यूमलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल सेल्स कोजेस मसल क्रैम्प्स अब क्या करता है वो मसल क्रैम्प्स क्रिएट करता है, है न जो यहाँ पे लैक्टिक एसिड की एकोमलेसन मतलब कि जमावट हो जाती है तो अब देखते हैं यहाँ पे कि वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम मसल क्रैम्प्स टू तो मैसेजिंग द अफेक्टिव अफेक्टेड पार्ट और बाय हैविंग अ होट बात क्रैम्प जो होता है जहाँ मसल क्रैप होता है तो उसको हम मैसेजिंग मैसे, उसको मसाज करते हैं जो अफेक्टेड पार्ट होता है या फिर जो है हम उसको गर्म पानी द्वारा उसको नहा उसको धोते हैं यही बात है ना बोथ दीज एक्टिविटीज़ इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी है ना बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो तेज़ कर देता है लीडिंग टू इंक्रीजिंग सप्लाई इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की मात्रा इसमें क्या हो जाती है बढ़ जाती है आगे देखें दिस रिजल्ट इन कम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसका परिणाम होता है कि जो लैक्टिक एसिड होता है ब्रेक ब्रेकडाउन हो जाता है है ना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में एंड हेंस वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स और हम को क्रैम्प से यहाँ पे रिलीफ राहत मिलती है ठीक है थोड़ा ओरल क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ बच्चे इसको आप लोग ओरली सॉल्व करने का प्रयास करेंगे है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विंड पाइप हमने बताया था क्लास के अंदर शुरुआत में जब चल रहा था ब्लैक बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे तो मैंने बताया था विंड पाइप को और क्या कहते हैं द विंड पाइप ब्रांचेस इंटू टू स्मॉलर ट्यूब्स वॉट आर दिस ट्यूब्स कॉल्ड है ना इस ट्यूब्स को और क्या कहते हैं वॉट इज प्रजेंट इन द ब्लड विच बाइंड इट्सल्फ विथ ऑक्सीजन ब्लड में क्या ऐसा होता है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है अपने साथ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर सेलुलर रेस्पिरेशन कैन ओकर एवेन विदाउट ऑक्सीजन वाट इज सच ए रेस्पिरेशन कॉल्ड इस तरह की जो रेस्परेशन होते हैं उसको क्या कहते हैं वेन डू द मसल क्रैम्प्स ओकर और मसल क्रैम्प कब होते हैं क्लियर है आई होप कि ओरल क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे ठीक है इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट द दिस चैप्टर ओके रेस्पिरेशन सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा आप ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टू क्लास थैंक यू